फाइनल 2 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप 2023 का नॉकआउट राउंड स्टार्ट हो गया है। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड सेमीफाइनल मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। नमस्कार जैन, कैसे आप लोग गाइस? तो स्वागत करती हूँ फिर से एक बार क्रिटिकल हसीना के यूट्यूब चैनल में, और हम आपको बताने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन, की प्लेयर्स, सबके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वर्ल्ड कप का लीग चरण समाप्त हो गया और चार सबसे बेस्ट टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की। लगातार 7 मैच जीतकर कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलिया टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ेंगी। साउथ अफ्रीका पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर। दोनों ही टीम्स ने 9 में से 7 मैच जीता है। वे दोनों इस लय को बरकरार रखते हुए फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे। साउथ अफ्रीका के पास इस बार मौका होगा सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर पहली बार फाइनल खेलने का। वही ऑस्ट्रेलिया की भी 6वीं बार वर्ल्ड कप उठाना चाहेंगे। अब बात करते हैं पहले दोनों टीम की वर्ल्ड कप हेड टू हेड। टोटल मैच खेले गए हैं 7, ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई है 3, साउथ अफ्रीका की जीत हुई है 3। बात करते हैं टॉस प्रेडिक्शन की, तो इस विश्व कप में ईडन गार्डन में खेले गए 4 मैचों में से 3 में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। यह पिच स्पष्ट रूप से बैटिंग साइड के लिए अनुकूल है, और चूंकि यह नॉकआउट मुकाबला है इसलिए दोनों टीमें पहले बैटिंग करना चाहेंगी। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ईडन गार्डन की पिच थोड़ी स्लो है। शुरुआत में यह बैटिंग के लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद धीमी पड़ती लगती है। जब स्पिनर खेल में आएंगे वे उन्हें पिच से भरपूर पकड़ और स्पिन मिलेगी। मिसर्स को अंतर में काफ़ी ऑफ कटर फेंकने होंगे क्योंकि गेंद आसानी से बल्ले पर नहीं आएंगी। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन कोलकाता में थोड़ा बादल छाए रहेगा, कुछ बारिश की संभावना है, लेकिन उससे मैच में ज़्यादा बाधा नहीं आएंगी। टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री के बीच रहेगा। अब ऑस्ट्रेलिया शॉट एनालिसिस की बात करें तो वे कहते हैं ना कि आपको कभी भी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को कमज़ोर नहीं गिनना चाहिए। वे सच कहते हैं, इस विश्व कप में अपने पहले 2 गेम हारने के बाद लोगों ने उन्हें नकार दिया था, लेकिन उन्हें बेस्ट कम बैक किया और लगातार 7 जीत के साथ सेमीफाइनल में एंटर किया है। इस बार उनके पास पावर पैक बैटिंग यूनिट है और डेप्थ बैटिंग करती है। डेविड वार्नर पूरे टूर्नामेंट में रन बना रहे हैं और उन्होंने अब तक 55.44 की एवरेज से 499 रन बनाए हैं। इसके बाद मिशेल मार्स, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 132 गेंदों में शानदार नवाज 177 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी अर्धशतक के बाद ट्रेविस हेड आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन वह एक अटैकिंग बैटिंग है और उनका एक कैम्यू की भी इफेक्टिव हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई टीमों के एक्सपीरियंस स्टीवन स्मिथ से भी कुछ रनों की उम्मीद होगी। उन्होंने टूर्नामेंट में बिल्कुल खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन उनकी टेक्निक इस विकेट पर मिडल ओवर्स में उपयोगी होगी। फिनिशर ग्लेन मैक्सवेल कैरियर के बेस्ट फॉर्मर में है। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने प्रूफ कर दिया है वो क्या कर सकते हैं। एडम जंपा के शानदार प्रदर्शन को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं रही। लेग स्पिनर इस विश्व कप में बॉलिंग चार्ट में टॉप पर है, जिसने 18.90 की औसत से 22 विकेट हासिल किए हैं। पार्ट टाइम बॉलर मैक्सवेल और स्टोइनिस भी कमाल कर सकते हैं। इस विकेट से ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट बॉलर जोस हेजलवुड, पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क को भी मदद मिलेगी। अब यह देखना है कि क्या वे स्ट्रॉन्ग दक्षिण अफ्रीका बैटिंग यूनिट पर प्रेशर बना सकते हैं या नहीं। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग की बात करें तो ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, मिशेल मार्स, स्टीव स्मिथ, जोस इंग्लिस जो कि विकेट कीपर हैं, ग्लेन मैक्सवेल, मार्नर लाबुशेन, मार्क्स स्टोनिस, पैट कमिंस जो कि कप्तान हैं, मिशेल स्टार्क, एडम जंपा, जोस हेजलवुड। कहते हैं साउथ अफ्रीका शॉट एनालिसिस की, दक्षिण अफ्रीका ने इस विश्व कप में जिस तरह से खेला है उस पर उसे प्राउड होगा। नीदरलैंड से उस करारी हार और भारत से 243 रन की हार को छोड़कर वे पूरे टूर्नामेंट में इफेक्टिव रहे हैं। जब वे पहले बैटिंग करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बैटिंग यूनिट होती है। हालांकि टारगेट चेस करना उन्हें निश्चित रूप से उन्हें टेंशन में ला देता है। नॉकआउट में एंटर करते समय उन्हें इस बात से अवेयर रहना होगा, या कहते हैं ना
की जरूरत नहीं है कि सेमीफाइनल में क्विंटन डी कॉक उनके मेन बैट्समैन होंगे। लीग स्टेज के अंत में वह टूर्नामेंट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर हैं। उनके नाम 65.66 के एवरेज से 591 रन हैं। डी कॉक ने इस सीजन में 4 शतक लगाए हैं और अगर वह यहां एक और शतक बना सके तो टीम की खुशी होगी। वेन टेन ड्रुजेन 9 पारियों में 55.25 की औसत से 444 रन और एडन मार्क राम 9 पारियों में 49.50 की औसत से 396 रन। टीम के अन्य दो लगातार बैट्समैन हैं जिन्होंने मिडिल ऑर्डर को फिक्स रखा है। हेनफ्रिक क्लासिन एक अटैकिंग बैटर है जो और इस टूर्नामेंट में 140 के रन रेट को से स्कोर बना रहे हैं। उन्हें स्पिनरों के खिलाफ खेलना पसंद है और वह फॉर्म में चल रहे एडम चंपा का सामना कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पास एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक है जिसको लीड भरोसेमंद और एक्सपीरियंस बॉलर कमिसो के बराबर डबाडा कर सकते हैं। इस फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24.96 की एवरेज से 29 विकेट लिए हैं। हालांकि गोराल्ड कोइत जी इस साल टीम के लिए बेहतरीन बॉलर रहे हैं जिन्होंने 19.38 की एवरेज से 18 विकेट लिए हैं। ईडन गार्डन में भारत के खिलाफ मार्को जॉनसन महंगे साबित हुए थे लेकिन उनमें विकेट लेने की एबिलिटी है और वह अपना रोल निभा सकते हैं। ईडन के इस स्लो विकेट पर केशव महाराज का स्पिन स्पेली इम्पॉर्टेंट होगा। उन्होंने यहां भारत के खिलाफ शानदार बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलियाई बैटर को वह फंसा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्लेइंग की बात करें तो क्विंटन डी कॉक जो कि विकेट कीपर है, तेम्बा वावुमा जो कि कप्तान है, राशि वन डे डुसेन, एडन मार्क राम, हेनरिक क्लासिन, डेविड मिलन, मार्को जेंसन, गेराल्ड कोइतजी, केशव महाराज, केगिसो रवाडा, कुंगी लुंगी एनगिडी। बात करते हैं मैच के प्रेडिक्शन की तो यह मैच साउथ अफ्रीका ही जीतेगी और टीम पहली बार फाइनल खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया को कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई अगर क्रिकेट को अच्छे से समझना है तो हमारा चैनल क्रिकेट गर्ल हसीना ज्वाइन करो और मैच से जुड़ी न्यूज प्रेडिक्शन और एनालिसिस जानकर फैंटेसी गेम्स के लिए पैसे बनाओ।